जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट दोस्तों एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों जितने भी कैंडिडेट ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिल कर लिए हैं दोस्तों, उसे यह वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं जो कि दोस्तों सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिल कर लिए हैं तो दोस्तों उसके लिए करेक्शन डेट भी यानी कि करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, उसमें दोस्तों आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने गलती की है। अगर दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी तक एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिल ही नहीं किए हैं तो आप अंत तक बने रहिएगा, आपको दोस्तों सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपको गलती क्या नहीं करनी है। तो दोस्तों आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल के अंदर आप दोस्तों एसएससी के अंदर जितने भी फॉर्म अगर रिजेक्ट होते हैं तो केवल दोस्तों फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। बाकी दोस्तों आप उसके अंदर क्या फिल किए हैं नहीं फिल किए हैं दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है, केवल फोटो और सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए तो आपका दोस्तों फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और फाइनली आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं केवल उसे पता होती है कि 20 से 50 केबी के अंदर फोटो होनी चाहिए और 10 से 20 केबी के बीच में हमारा सिग्नेचर होनी चाहिए, और दोस्तों वो कैंडिडेट फोटो को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों फोटो तो अपलोड हो जाती है लेकिन दोस्तों फॉर्म का एक्सेप्ट नहीं होता, बाकी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों में डायमेंशन भी दिया हुआ जो कि आप देख सकते हैं, जो कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी फोटो की चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर दोस्तों फोटो की हाइट होनी चाहिए, वो दोस्तों ध्यान नहीं देते हैं और दोस्तों केवल केबी देख करके 20 से 50 केबी देख करके दोस्तों अपलोड कर देते हैं। अपलोड तो हो जाता है लेकिन दोस्तों फॉर्म उसका एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। और दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए, और इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं दोस्तों, यही डायमेंशन में भी आप फोटो और सिग्नेचर को दोस्तों आप अपलोड कीजिएगा। फोटो के लिए यहां डायमेंशन दिया हुआ दोस्तों, सिग्नेचर के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मेन बात आ जाती है कि जो फोटो में हम डेट ऑफ फोटो मेंशन करें आप ही ना करें, क्योंकि दोस्तों एसएससी ने पहले ही दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जब मतलब दोस्तों यह रूल को लाया गया था उस टाइम दोस्तों बताया गया था कि फ़ोटो पर आप डेट मेंशन करना अनिवार्य है, नहीं तो हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा रूल चेंज हो चुका है, यहाँ पर दोस्तों केवल यही लिखा हुआ होता है कि आपका जो फोटो है सो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। दोस्तों जब आपका जो नोटिस जारी किया गया है जो एसएससी सीजीएल का दोस्तों जब नोटिस का जारी किया है उससे जस्ट 3 मंथ दोस्तों उससे ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका फिलहाल नया का फोटो है तो आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मेरा पुराना फोटो है हम उसमें डेट ऑफ फोटो अबर का मेंशन कर देते हैं, कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पुराना वाला फोटो है उसमें हम अबर का डेट ऑफ फोटो मेंशन कर देते हैं, लगभग 1-1.5 महीने का फोटो डेट ऑफ फोटो मेंशन कर देते हैं, तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा फिर रिजेक्ट होगा? तो दोस्तों हम बात करें तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ना ही रिजेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आपने फोटो पर डेट मेंशन किए हैं अवर का, चाहे आपका फोटो 2 साल 3 साल 4 साल पुराना क्यों ना हो, अगर दोस्तों आप फोटो पर डेट अवर का मेंशन करते हैं तो एसएससी को पता चल जाता है कि यह फोटो अवर का है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। अगर दोस्तों आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं हम फोटो पर डेट ही मेंशन नहीं करते हैं तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों उस केसेज में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। चलिए दोस्तों वो भी बता देते हैं वो काम क्या करना होगा, और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए दोस्तों केप के साथ, या फिर दोस्तों जो चश्मे उसमें के साथ दोस्तों वो सब फोटो नहीं होनी चाहिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों वो काम क्या करना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, वो भी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, लेकिन दोस्तों आप सब नोटिफिकेशन में उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों आप फोटो पर डेट मेंशन नहीं करते हैं या फिर करते हैं, दोस्तों दोनों केसेस में अगर आप फोटो पे डेट मेंशन नहीं करना चाहते तो भी सही है, अगर आप डेट ऑफ फोटो दोस्तों मेंशन करना चाहते हैं फोटोग्राफ पर तो दोस्तों 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मेन बात देखिए, अपलोड एंड सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लर नहीं होनी चाहिए, और ये दोस्तों मेन बात यहाँ पर आपको देख सकते हैं 20 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जब दोस्तों आप देखिए शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन और क्लिक यस, जी हाँ दोस्तों क्लिक यस इफ द फोटोग्राफ अपलोडेड अबाउट इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। दोस्तों जब भी आप फोटो अपलोड करते हैं उसके जस्ट नीचे दोस्तों यस और नो का ऑप्शन होगा कि आपका फोटो 3 मंथ्स ओल्ड पुराना नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस करना होगा, अगर आप दोस्तों यहाँ पर नो क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर होती है जब आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 3 जनवरी 2023। देखिए दोस्तों 3 मंथ्स ओल्ड का डेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 जनवरी और उसके बाद का आपके पास फोटो है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अगर यहाँ पर आप दोस्तों नो कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आपका फॉर्म चाहे आप कैसा भी फॉर्म को फिल करें आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और फाइनली आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताए हैं सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, और फटाफट से दोस्तों आप अपना फॉर्म को फिल कर लीजिए। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।